हाय एवरीवन, जय माँ वैष्णो। उम्मीद करती हूँ आप सभी के समर वेकेशंस अच्छे से गुजरे होंगे, लेकिन इसके बाद जब स्कूल खुलते हैं ना तो रूटीन में आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कोई बात नहीं, आज आपके साथ में रूटीन और टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप अपने फर्स्ट डे के लिए ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएंगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस साल तो गर्मी ने ना जाने कितने सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, और हमारी बॉडी से जब पसीना निकलता है ना तो वो सिर्फ पानी पीने से रिकवर नहीं होता, क्योंकि पसीने में पानी के साथ साथ हमारी बॉडी के कई इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन्स भी लूज होते हैं। तो इनको रिकवर करने के लिए वाटरमेलन, सीजनल फ्रूट्स, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर का इंटेक करते रहिए और समर्स में अपना अच्छे से ख्याल रखिए। और इतनी बार बोलने के बाद भी आपने अपने समर वेकेशन में फ्रूट्स खाना स्टार्ट किया या नहीं? अगर कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है ना तो आपको अभी से ही हर एक दिन एक सीजनल फ्रूट खाना है और स्कूल स्टार्ट होने के बाद भी इसे कंटिन्यू रखना है। और अभी शाम का समय हो रहा है, आज हमें अपने कल के स्कूल की बहुत सारी तैयारी करनी है, तो पहले फ्रूट्स खाकर थोड़ी सी एनर्जी कलेक्ट कर लेते हैं। अगर इन वेकेशंस में आपने अच्छे से अपना ध्यान रखा है, हाइड्रेट रहे हो, डाइट का ध्यान रखा है ना, तो देखना फर्स्ट डे वाले दिन आपके क्लासमेट्स चौंकने वाले हैं आपके ग्लो को देख के। अब ग्लो की बात चली रही है ना, तो स्कूल खुलने से एक दिन पहले हम अपने फेस पे अच्छा सा फेस पैक लगा लेते हैं। टीनेजर्स के टाइम पे ना हमें पिंपल, स्किन डल और टैनिंग जैसी प्रॉब्लम्स को अक्सर देखना पड़ता है, तो एक सिंपल सा फेस पैक बताती हूँ जो आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो आपको थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लेनी है, उसमें थोड़ी सी दही, टमाटो का पल्प निकालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद अपने फुल फेस, नेक और हैंड्स पर इसे अप्लाई करना है। आजकल तो गर्मियां है, ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। जब ये सेमी ड्राई हो जाए तो ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद गुलाब जल और अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब हमारी स्किन तो कल के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो गई है, अब अपने बैग्स को भी प्रिपेयर कर लेते हैं जो इन छुट्टियों में ना जाने कहां ही लापता था। वैसे तो आपको अपने बैग्स को ना छुट्टियों में ही धोकर संभाल लेना चाहिए था, अगर नहीं धोया है तो आप अभी धोकर साफ क्लीन कर ही उसको स्कूल लेकर जाइए। और आपको आज अपना बैग ठीक से देखकर इसलिए पैक करना है क्योंकि कई बार ना हम अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन कोई ना कोई चीज घर पर ही रह जाती है, जिस वजह से टीचर्स को लगता है कि हमने अपना वर्क टाइम पर नहीं कंप्लीट किया। तो एक एक चीज आप अपनी काउंट कर चेक कर ले जाइए, चार्ट, प्रोजेक्ट, स्क्रैप बुक, असाइनमेंट फाइल्स, नोटबुक, सारी चीज। और अगर अभी ऐसा कोई सामान है जिसका काम आपको रात को कंप्लीट करना है, मॉर्निंग में आप उसको बैग में डालेंगे, तो आप उसको ना लिस्ट में लिख कर रख लीजिए और मॉर्निंग में याद से सारे सामान को अपने बैग में डाल लीजिए। यहाँ पर हमारा बैग तो अच्छे से रेडी हो गया है, तो चलो अब थोड़ा सा अपनी यूनिफॉर्म की तरफ भी नजर डाल लेते हैं। आपको अपनी यूनिफॉर्म में ना दो तीन चीजों का अच्छे से चेक करना है। सबसे पहले तो कोई आपको स्टिचिंग की जरूरत हो, कहीं से आपकी ड्रेस फट रही हो, उसे अच्छे से सिलना हो, सेकेंड वो अच्छे से वॉश, और थर्ड वो अच्छे से प्रेस हो। इतना काम करने के बाद ना आप सीधा नहाने के लिए चले जाइए, क्योंकि गर्मियों में ना एक बार नहाने से बिल्कुल भी काम नहीं चलता है। और मैं तो गर्मियों में रात को जब तक ना नहाऊं ना मुझे चैन से नींद ही नहीं आती है। और नहाने के साथ साथ आप अपना हेयर वॉश भी कर लीजिए ताकि आपका मॉर्निंग का काम लाइट होता रहे। वैसे भी कल आपको जल्दी उठने में आलस आने वाला है, और जितना आप अपनी मॉर्निंग को फ्री रखेंगे ना उतना ज्यादा आप उसको अपने आप में यूटिलाइज कर पाएंगे। और जब तक आपके बाल सूख रहे हैं उतने के साथ साथ आप अपने कल के डे को प्लान कर लीजिए कि कब आप स्कूल से आएंगे, कब ट्यूशन जाएंगे, कब आपको स्टडी करना है, कब आपको अदर एक्टिविटीज को टाइम देना है। इसके बाद ना आपको जल्दी से डिनर करना है ताकि आप टाइम पर सो जाएं और मॉर्निंग में टाइम पर उठ पाएं। आपको पूरे दिन भर में ना एक बार अपनी डाइट में दाल को जरूर इंक्लूड करना है, ये आपके हेल्थ के लिए, माइंड के लिए, बॉडी के लिए, हर चीज के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा ना मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए व्हाट आई ईट इन अ डे बनाऊं, जिसमें आपको एज अ स्टूडेंट क्या क्या खाना चाहिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं ना कि मैं ऐसी टाइप की वीडियो लेकर तो आप कमेंट्स में यस लिख देना। डिनर करने के बाद आपको अपनी ओरल हाइजीन का ध्यान देना है, अच्छे से ब्रश कर टंग क्लीन कर ही आपको सोने जाना है। लेकिन रुको रुको, अभी डायरेक्ट सोने नहीं जाना है, आपको एक गिलास गरम दूध पीना है और इसके साथ अपने एकेडमिक्स को छोड़कर कोई भी अच्छी बुक को रीड करना है, अपने पैरों पर अच्छे से मसाज करनी है, कल के लिए अलार्म सेट करना है और फिर सो जाना है।
फर्स्ट डे वाली मॉर्निंग ना आपको थोड़ा सा जल्दी उठना है ताकि आप आराम से टाइम लेकर अपने स्कूल के लिए रेडी हो सके, सारी चीजों को चेक कर सके और जो भी आपने नई हैबिट्स को डेवलप करने का सोचा है ना उन सारी चीजों को भी टाइम दे सके। आपको अपने मॉर्निंग के काम जैसे कि बेड बनाना, लेमन वाटर पीना, फ्रेशन अप होना, ब्रश वगैरह करना, इसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए नेचर के पास आकर बैठ जाना है, शांति से थोड़ी देर सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है, कुछ ब्रेथिंग एक्सरसाइज करनी है, आपको अपने डे को विजुअलाइज करना है, अपने माइंड को काम करना है और पूरी एनर्जी और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आज के दिन को फेस करने के लिए रेडी हो जाना है। और अगर आप लोग चाहें ना तो इसके बाद जो भी आपके स्कूल में आज पढ़ाया जाने वाला है उसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हैं, कुछ आपका हॉलीडे होमवर्क अभी भी पेंडिंग रह गया है तो उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हम नीचे चले जाएंगे अच्छे से अपने फेस की टायर्डनेस को दूर करने के लिए, और इसके लिए बेस्ट तरीका है समर्स में आइस रबिंग करना। आप चाहे ना तो फेस पर आइस डायरेक्ट लगाने की जगह बाउल में पानी भरकर भी डिप कर सकते हैं, ये आपके माइंड के साथ साथ आपकी स्किन को भी जगा देगी। आपको बस इसे 1 से 2 मिनट ही करना है, इसके बाद ना आप कुछ खाने के लिए चले जाइए, बेस्ट रहेगा कि आप मॉर्निंग के टाइम पर एक एप्पल को खाएं। चलो अब मैं आप लोगों के साथ कुछ योगा आसना शेयर कर रही हूं जो एज अ स्टूडेंट आप लोगों के लिए करना बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहला है ताड़ासना वॉक, इसमें आपको अपने पंजों के बल चलना होता है। सेकंड नंबर पर है वृक्षासना और थर्ड नंबर पर है त्रिकोणासना, फोर्थ नंबर पे है हस्तोतासना और पदासना, और फिफ्थ नंबर पे है मर्जारियासना, और फिर इसके बाद है भुजंगासना और लास्ट में है मरकासना। तो इन सभी योगा आसनाओं को ना आपको थोड़ा थोड़ा समय देना है अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए, और इन सभी आसनास को करने से पहले इनकी पोजिशन और इंस्ट्रक्शन को अच्छे से जान ले, इसके बाद ही करें। अब हम करेंगे अपना सबसे फेवरेट काम जो कि है स्कूल के लिए रेडी होना। आप ठंडे ठंडे पानी से शाल ले लीजिए, स्कूल यूनिफॉर्म पहन लीजिए और गर्मियों में ना आपको सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके बाद आपको भगवान जी की पूजा करनी है। अगर आपको स्कूल में तिलक लगाना अच्छा लगता है तो आप तिलक लगा लीजिए। इसके बाद हम करेंगे हेल्दी सा ब्रेकफास्ट और स्कूल के लिए भी हेल्दी सा लंच लेकर जाएंगे। अब आजकल ज्यादा गर्मी होने की वजह से हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, तो आप घर से ही अपने लिए ग्लूकोन डी का पानी बनाकर ले जा सकते हैं या फिर एक ग्लूकोन डी का शैश अपने पास रखिए। जैसे आपको स्कूल में थोड़ा सा वीक महसूस होना आप उसको पानी में मिलाकर पी लीजिए। बस अब अपने टिफिन बॉक्स और पानी की बॉटल को बैग में रख लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लास्ट टाइम अपने बैग में रखनी है वो भी चेक कर रख लीजिए। तो बस कुछ इस रूटीन को फॉलो करके ना आप अपने फर्स्ट डे को एनर्जेटिक और एक्साइटेड बना सकते हैं। कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। ओके बाय बाय।